दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 1 जनवरी नए साल पर गाय माता को चुपचाप खिला दें बस ये छोटी सी चीज, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा, गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों वास्तव में 1 जनवरी के दिन आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने, करोड़पति मालामाल न बने तो मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय आप कर लेना। चलिए जानते हैं, नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय माता को खिला देंगे एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, गरीबी और संकट दूर हो जाएंगे, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाएगा, पूरे साल आपके घर में बने रहेंगे माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तक तक करेगी रुपए पैसों पर राज। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह सब दूर हो जाएंगे। इतना दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार, ये मान के चलिए आप नए साल के दिन। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है 1 जनवरी नए साल के दिन, जिसे खिलाने से स्वयं माता जगत जननी महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन संपत्ति व कुबेर का खजाना। स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों यकीन मानिए, आप इस खास चीज को, गौ माता को आपको नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन आपको खिलाना है। कोई भी किसी भी प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, गरीबी हो, जो पीछा नहीं छोड़ रही है, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचा चला आएगा और धन इतना होगा कि 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी आपके घर में, 7 पीढ़ी तक रुपये पैसों में आप मौज करोगे। इतना दुर्लभ शुभ संयोग है इस बार, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार से इस वीडियो में हम आपको गाय के उपाय बताएंगे नए साल के दिन आपको करना है, तो ये उपाय करने के बाद 100% आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आप मालामाल हो जाओगे, गरीबी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए और अपने परिवार वालों के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, अन्यथा आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, फायदा आपके और आपके पूरे परिवार वालों का है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखकर ही जाना, और वीडियो पूरा देखेंगे तो फिर वाकई में आप हमें कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कितने फायदेमंद ये वीडियो है, आपको करोड़पति न बना दे तो फिर कहना पूरे साल धन की बारिश होगी, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखकर इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के जो भी नज़दीकी दोस्तों हैं सबको शेयर कर दें। चलिए अब बात करते हैं नए साल 1 जनवरी के दिन आपको गाय के उपाय बताने से पहले इस दिन कुछ महत्वपूर्ण आपको उपाय भी कर लेने हैं जो काम करेंगे तो विशेष लाभ होगा। दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है, हमें एक नई सुबह के साथ एक नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छे से गुजरे, आपका नया साल बेहतर जाए, तो फिर आप पुराने कल को भुलाकर एक नए कल के लिए अच्छी शुरुआत करें। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष सामग्री भी इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आएं जिससे आपको लाभ होगा। खासकर जो हम आपको उपाय बताएंगे गाय से संबंधित वह उपाय जरूर करें। दोस्तों नए साल के दिन इस बार कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, कई अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे माता लक्ष्मी जी इस बार नए साल के दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं। इस बार इंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है नए साल के दिन। अगर आप इस नए साल के दिन शुभ मुहूर्त में गाय को ये एक चीज खिला दें तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नए साल के दिन हम अपने घर में धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीद कर लाते हैं। दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तुएं जरूर लेकर आएं, जैसे धनिया है, कमलगट्टे का बीज है, मोर पंख है, उनकी फोटो वगैरह जरूर लेकर आएं नए साल के दिन। दोस्तों इस दिन जैसे कि आप कछुए, चांदी के कछुए या चांदी के सिक्के वगैरह भी जरूर लेकर आएं। दोस्तों इस बार नए साल पर
अगर आप चाहते कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आर्थिक स्थिति का मार्ग प्रशस्त रहे, माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बरसे, तो जरूर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके ही दिन की शुरुआत करें और नए साल के दिन खीर बनाकर जरूर सेवन करें, क्योंकि 1 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ है। इस बार 1 जनवरी सोमवार से शुरुआत हो रही है नए साल की। आइए अब जान लेते हैं गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। स्वयं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। घर की जो सबसे पहली रोटी है वो आप गाय को जरूर खिला दें, इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता कि गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से अगर की जाए तो माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। दोस्तों, गुरु ग्रह जो होता है आपकी कुंडली में, बृहस्पति ग्रह के साथ यानी इनको जोड़कर देखा जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन अगर आप गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख समृद्धि बढ़ती है, धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन थोड़ा सा गुड़ रखकर रोटी में जरूर खिलाएं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, टेंशन खत्म होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रह जो खराब हैं आपके कुंडली में और वो ठीक हो जाए, तो गाय को आप सबसे पहली रोटी नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन जरूर खिलाएं। धीरे धीरे सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे, शुभ मंगल कार्य होने लगेंगे और आप रोटी के साथ साथ आप यानी कि गुड़ भी जरूर खिलाएं और हो सके तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी जरूर मिला दें और इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें, बहुत ही शुभ होगा। अगर नए साल के दिन खीर बनाकर रोटी में रखकर गाय को खिलाते हैं और मस्तक को छूकर प्रणाम करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो कोई भी मन्नत आपकी 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। जी हाँ, गाय को रोटी तो हर व्यक्ति खिलाता है, लेकिन बासी तिवासी रोटी ना खिलाएं, फ्रिज में रखी रोटी ना खिलाएं, 1 दिन पहले की रोटी बिल्कुल ना खिलाएं। सुबह की जो तरोताजा रोटी बनती है सबसे पहले वो गाय के लिए ही निकाल कर जरूर खिला दें, इससे गाय माता तो प्रसन्न होती है, साथ ही माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आप बासी रोटी खिलाते हैं, सड़े गले घास खिलाते हैं, तो ये गाय का अपमान माना जाता है, माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दूसरे घर में चली जाती हैं। इसलिए सड़ी गली चीजें बिल्कुल भी, खराब चीजें बिल्कुल भी गाय को मत खिलाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश करें कि आप गाय को इस दिन पीपल के पत्ते वगैरह जरूर खिलाएं, रोटी में आप तुलसी के पत्ते भी रखकर जरूर खिलाएं, गुड़ खीर वगैरह हल्दी वगैरह रखकर जरूर खिलाएं, इससे बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप क्या करें कि सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, फिर आप आटा लेकर शुद्ध जल से इसे गूंद लें, मर लें, फिर आप इसकी एक रोटी तैयार कर लें और इस रोटी को माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर फिर आप थोड़ा सा खीर बना लें। खीर बनाने के बाद इस रोटी पे खीर रख लें और थोड़े से इस रोटी पर आप गुड़ रख लें, थोड़े से घी डाल दें, थोड़े से मिश्री डाल लें और फिर आप थोड़ी सी हल्दी डालकर इस रोटी को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें, अपनी मन्नत जरूर मांगे। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आप देखना आपकी मन्नत ना पूरा हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, ऐसा चमत्कार उपाय है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय है ये। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ये इससे आपकी गरीबी दूर होगी, निर्धनता दरिद्रता दूर होगी। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई भी अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनता हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांधते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है, भूभाग यानी कि सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए गाय को आप जरूर अपने घर पर लेकर आएं और उन्हें रोटी खिलाएं। अगर आपके रास्ते को काट दे गाय तो यह बहुत ही शुभ होता है। गाय को बछड़े दूध पीते हुए या एक साथ देख ले कहीं जाते समय तो वो कार्य आपका जरूर बनता है। दोस्तों, नए साल के दिन 1 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप एक मुट्ठी हरी घास ले लें और इस घास में एक रोटी रख लें, थोड़े से काले तिल या फिर काले तिल के जो लड्डू हैं जैसे कि गुड़ तिल घी से बने लड्डू इस रोटी में रख लें और थोड़े से इसमें हल्दी और मिश्री रखकर ले जाकर गौ माता को खिला दें। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसेगी और 3 बार गौ माता की परिक्रमा करें। दोस्तों, नए साल 1 जनवरी के दिन आपको गुड़ तिल घी के बने लड्डू अगर आप खिलाते हैं गौ माता को तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर कुछ भी ना खिला पाएं तो इस दिन रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं, सबसे पहले रोटी, ये भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप जो भी मीठे पकवान बनाएं, आप 56 प्रकार के जो भी
पूड़ी कचौड़ी जो भी पक्का भोजन हलवा वगैरह बना रहे हैं, खीर वगैरह बना रहे हैं, वो गाय को जरूर आप खिला दें। गाय माता प्रसन्न है तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न है, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न है तो फिर निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस नए वर्ष के दिन आप इस शुभ मौके को अपने हाथ से न जाने दें, गाय को जरूर इनमें से कोई भी एक चीज़ खिला दें, छप्पड़ फाड़ धन आएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को लाइक करके ही जाना और दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचा देना, यानी शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में लिख देना जय महालक्ष्मी।